हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे SWE वर्सेस EST फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि स्वीडन वर्सेस इस्टोनिया के बीच जो ECI स्वेडन T10 का मैच नंबर 1 खेला जाना है। ये मैच जो है 17 जून को दोपहर के 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू सेम रहेगा, यानी कि जहाँ पर आप स्वेडन के ECS मैचेस देख रहे थे उसी वेन्यू पर है। तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्कोर बनते हुए दिखेंगे, 100+ आप यहां पे एक्सेप्ट करके चल सकते हैं। यहां पे आपको दोनों टीमें जो है स्ट्रांग ही है, बल्लेबाजी के से नज़रिए से देखें तो दोनों टीमें बल्लेबाजी से अच्छी है, बट गेंदबाजी से देखेंगे तो स्वीडन की टीम अच्छी है और यहां पे इस्टोनिया की टीम थोड़ी सी गेंदबाजी से जो है वीक नज़र आ रही है। तो एडवांटेज है स्वीडन का होम ग्राउंड है, इनके अलावा स्वीडन एक अच्छी टीम है, तो ध्यान रखिएगा। एवरेज स्कोर 105 है, बट यहाँ पे दोनों टीमें स्ट्रांग होने के कारण रन अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो जरूरी चीज़ें रहेगी, लास्ट टाइम अपडेट, फाइनल टीम, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है, विदाउट लिंक के आते हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वीडन की। तो देखिए, स्वीडन की टीम जो है यहाँ पे अब देखेंगे, इनके तरफ जो है अली आ सकते हैं ओपनिंग, इनको मेंशन कर दिया गया है बॉलिंग सेक्शन में। बट मैं आपको बता दूं, अली यहाँ पे बॉलिंग शायद ना करे, ECS का अंदर ये बॉलिंग नहीं करते हैं, यानी कि इंटरनेशनली T10 के अंदर ये बॉलिंग बहुत कम करते हैं, यानी कि ना के बराबर करते हैं। आप पिछले ECC 2022 देखिए, मैं यहाँ पे ECC के क्यों आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ ECC भी एक इंटरनेशनल T10 है। जिस प्रकार से ये ECI होते हैं उसी प्रकार से ECC भी जो है कंट्री वाइज ही खेले जाते हैं। इसलिए मैं आपको ECC के यहाँ पे स्टेट्स दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे होती है लगभग यहाँ पे भी वही चीज़ें उसी बैटिंग क्रम के साथ यहाँ पे आपको प्लेयर्स दिखाई दे सकते हैं। 2021-22 में ये टोटल 20 मैच खेले हैं ECC के, यहाँ पे 418 रन बनाए थे, 4 हाफ सेंचुरी इनके नाम है, एक मैच में सिर्फ एक ओवर की गेंदबाजी किए हैं 20 में से। तो ये यहाँ पे बॉलिंग आई थिंक ही नहीं करेंगे, एज ए बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए दिखेंगे, बट इनके नाम 4 हाफ सेंचुरी है, एक CBC के अच्छे ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बात कर ले, यानी कि यूरोपियन नेटवर्क के अंदर ECC हो गए या फिर ECL हो गए या ECS हो गए, जो भी हैं ECN वगैरह जो भी हैं, सारे मैचेस खेले हैं, 60 मैचेस, 1424 रन है, 7 हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी जो कि इसी ECS में इन्होंने लगाए थे, 36.3 ओवर की गेंदबाजी है, 17 विकेट है। रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो बल्लेबाजी से रीसेंट के लास्ट के 3 मैचेस में जो है ये फ्लॉप गए हैं, गेंदबाजी भी ये 2 मैचेस में किए थे, एक मैचेस में नहीं किए थे, विकेट लेस गए थे कुछ मैचेस में, बाकी ये बल्लेबाजी अच्छे करते हैं। लास्ट के 3 मैचेस में भले ही फ्लॉप हुए हैं, बट खिलाड़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनली भी खेलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इमाल जुआक है इनके विकेट कीपर बल्लेबाज, जो कि देखिए ECC के अंदर तो नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं, बट यहाँ पे मुझे ओपनिंग जो है रीसेंट फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि ओपनिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2021 में ये इंटरनेशनली T10 खेले तो वहाँ पे नंबर 4 पे आके 11-37-61 किए थे, 8 मैचेस में 156 रन थे, एक हाफ सेंचुरी था, एवरेज बहुत ही अच्छा था, 52 का एवरेज, ज़्यादातर मैचेस में नॉट आउट जाते थे नंबर 4 पे आके। ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर 22 मैचेस में 501 रन है, 2 हाफ सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म देखिए, नंबर 2 पे आके 1 रन, नंबर 2 पे आके 35 रन, यानी कि ओपन आके प्लस यहाँ पे 41-18 गेंदों में, इंटरनेशनली भी खेलते हैं। सुदेश खान, अगर बाय चांस अगर इमाल जुआक ओपनिंग नहीं आते हैं, शेर अली तो लगभग कंफर्म है कि शेर अली जो है ओपनिंग करेंगे, बट इनके साथ इमाल जुआक अगर ओपनिंग नहीं आते हैं तो आपको एक प्लेयर दिखेंगे, सुदेश खान। ये प्लेयर्स ECL 2021 में खेले थे अपना लास्ट T10, जहाँ पे 36-7-31 नॉट आउट, तो ये खिलाड़ी भी हार्ड हिटिंग कर लेते, ध्यान रखिएगा, लोग इनको हो सकता है कि इग्नोर करके जाए, अगर ओपनिंग में नेम मेंशन रहता है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाई चांस है कि अगर खेलते हैं, अगर ये खेलेंगे तो ओपनिंग ही आएंगे, इस केस में फिर आपको इमाल जुआक नंबर 4 पे दिख जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुदेश खान के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान के लिए भी कुछ जो है डोमेस्टिक लेवल पे खेल चुके हैं कुछ मैचेस, इनके जो कुछ इंटरव्यू हैं फ़खर जमान, बाबर आजम वगैरह जैसे प्लेयर्स के साथ, इनका जो है अच्छा जो है उन लोगों के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा वीडियो, तो अच्छे ही खिलाड़ी है, तभी तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पे आके खेल रहे हैं। टोटल 8 मैचेस खेले हैं, 217 है एवरेज, 36 का, एक हाफ सेंचुरी है, खिलाड़ी अच्छे हैं, ड्राइवर रहेंगे। शहीद अहमद की बात कर ले तो ये खिलाड़ी रीसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है,
पहली बार आप कहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, इन्होंने सिर्फ अभी तक ECS के ही मैचेस खेले हैं। 28 मैचेस में 499 रन है, 3 हाफ सेंचुरी है, यहाँ पे 12 विकेट है। लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे तो 1 डाउन आ रहे हैं, 6 गेंद में 14 रन, 16 गेंद में 62 रन नॉट आउट, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी भी दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये प्लेयर्स एक CBC के बेहतरीन ऑप्शन है। अबुजार है इस 2021 में इंटरनेशनली जब खेले थे तो 45 रन 20 गेंदों में 16, 9 गेंदों में 4, 8 गेंदों में लास्ट के 3 मैचेस में गए थे, 11 मैचेस में 266 रन थे 33 के एवरेज से, 1 मैचेस में 1 ओवर गेंदबाजी किए थे और इंटरनेशनली भी खेलते हैं। रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो क्वालिफायर के जो मैचेस हुए थे क्लब लेवल पे वहाँ पे भी नंबर 3 पे आके 0 बनाए थे, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी भी दिए थे। तो अबुजार खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर टॉप 4 में नाम रहता है। शमीउल्लाह रहमान, ये प्लेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एक CBC के अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इनके लास्ट के जो 3 मैचेस थे इंपॉर्टेंट मैचेस, सेमीफाइनल हो गए या फिर आप कह ले फाइनल हो गए, इन मैचेस में इनको तो बल्लेबाजी मिली नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं। लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट, यहाँ पे 4 विकेट, यहाँ पे 0 विकेट, तो इनको पूरे गेंदबाजी लास्ट के इंपॉर्टेंट मैचेस में करवाई गई है, बाकी पहले मैचेस में इनसे गेंदबाजी उतनी करवाई नहीं जा रही थी। ECC के अंदर ये गेंदबाजी बहुत कम किए थे बट रिसेंट फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि शमीउल्लाह रहमानी यहाँ पे गेंदबाजी भी कर सकते हैं प्लस बल्लेबाजी तो करते ही हैं बेहतरीन। तो ध्यान रखिएगा CBC के भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। खालिद जाहिद है ECC 2021 के अंदर, जो है यहाँ पे लास्ट के 3 मैचेस आप रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नंबर 6-7 पे बल्लेबाजी कर लेते हैं, प्लस आपको थोड़ी बहुत गेंदबाजी डेथ ओवर में दे देंगे, नहीं तो 1 ओवर पावर प्ले या 2 ओवर पावर प्ले के अंदर दिख जाएंगे। 9 मैचेस में 29 रन है और 8 विकेट है, कि एवरेज से ही प्लेयर्स। ओवरऑल यूरोपियन टी10 के अंदर 22 मैचेस में 287 रन है, 2 हाफ सेंचुरी है, 13 विकेट है। इंटरनेशनली देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि ECS के अंदर ये कुछ मैचेस में जो है ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर रहे थे, बाकी यहाँ पे ECC लेवल पे तो ओपनिंग नहीं करते हैं, बट ECS के अंदर थोड़ी बहुत गेंद बल्लेबाजी जो है कर लेते हैं ओपनिंग में आके। रिसेंट फॉर्म देखेंगे इनके, क्वालिफायर मैचेस में इन्होंने नंबर 4 पे आके 20 रन बनाए थे, नॉट आउट गए थे, प्लस 1 विकेट लिए थे। तो खालिद जाहिद भी एक अच्छे प्लेयर्स है, बिल्कुल ड्राइवर रहेंगे। नासिर बलूच है, ECL में खेले हैं 2023 में, जहाँ पे ये 2 ओवर की गेंदबाजी दे रहे थे, पावर प्ले के अंदर ही बॉलिंग के लिए जाने जाते, पहला 3रा ओवर करते हुए डिग जाएंगे। 17 मैचेस में 344 रन है, 38 के एवरेज से, 16 विकेट है। रिसेंट फॉर्म क्लब टी10 के अंदर 5 मैचेस में 55 रन बनाए हैं, 8 विकेट भी लिए थे। लोअर ऑर्डर और या तो फिर आपको फिनिशिंग टच में दिख जाएंगे, इंटरनेशनली भी खेले हैं। सहदेव चौधरी है, ECC 2022 के अंदर 10 मैचेस में 91 रन है और 9 विकेट है, आप नंबर 7 नंबर 5 पे आके बल्लेबाजी कर लेते हैं, प्लस 1 विकेट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो विकेट भी हर मैचेस में लिए हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर लेते हैं। लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, 27 मैचेस में जो है 265 रन है, 40 का हाइस्ट स्कोर है, 20 के एवरेज से, 30 विकेट भी लिए, तो अच्छे खासे विकेट चटका लेते हैं। सहदेव चौधरी ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, थोड़ी बहुत गेंदबाजी आपको तो पूरे देंगे बट बल्लेबाजी बहुत कम करते, बल्लेबाजी बहुत नीचे आती है। रिसेंट फॉर्म देखेंगे, 3 मैचेस में 22 रन है, 6 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट है, इंटरनेशनली भी खेले। जावी जाहिद, जो कि प्रॉपर आपको देखेंगे तो ये डेथ ओवर के लिए ही जाने जाते हैं, ये खिलाड़ी जो है आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ECC 2022 के अंदर आप लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। 19 मैचेस में ECC के अंदर 136 रन है, 19 के एवरेज से, 13 विकेट है। ओवरऑल 33 मैचेस में 349 रन है और 23 विकेट है। रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ओपनिंग आए थे क्लब मैचेस में और 2 विकेट लिए थे, इंटरनेशनली भी खेलते हैं। नज़र मोहम्मद है, इसे 2020 के अंदर 5 मैचेस खेले थे जहां पे 22 रन है और 7 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले, 4 मैचेस में 55 रन है और 3 विकेट है। मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर लेते हैं। जाकेट तक भी है, एक आप कह ले तो यंग प्लेयर्स ही है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, विकेट चटका जाते हैं। 10 मैचेस में 11 विकेट है, इकोनॉमी ख़राब है, इनको रन पड़ते हैं। ओवरऑल हाई देखेंगे तो हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं। ओवरऑल की बात कर ले तो 14 मैचेस में जो है 11 विकेट इनके नाम है। रिसेंट फॉर्म 4 मैचेस में 14 ओवर की गेंदबाजी करके 7 विकेट है, ये T20 के रिकॉर्ड है। बाकी इंटरनेशनली भी खेलते हैं, प्रशांत शुक्ला है, इसी 2021 में खेले हैं जहाँ पे आप देखेंगे 17 मैचेस में जो है इनके नाम 18 विकेट थे। रिसेंट फॉर्म क्लब टी10 के अंदर 3 मैचेस में 6 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट है। इंटरनेशनली भी खेलते हैं
तो ठीक ठाक प्लेयर्स है, एवरेज से ही प्लेयर्स है। बाकी इनके खिलाफ जो खेलेंगे एस्टोनिया की टीम, इनके तरफ से सैफुर रहमान अब जो है ओपनिंग आते हुए दिख जाएंगे, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। बट मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अगर विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो ये एक एडवांटेज रहेगा। यहाँ पे रिसेंट फॉर्म में देखेंगे तो इन्होंने 157 गेंदों में 118 रन की पारी खेल के आ रहे हैं, तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। और ECL खेले हैं जहाँ पे इनके 13-50-34, तो अच्छे किए हैं। 18 मैचेस में 458 रन है, 3 हाफ सेंचुरी है, 1 विकेट है। स्टुअर्ट हुक लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, बट ये खिलाड़ी जो है ECL 2020 के अंदर 4 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 55-27 गेंदों में नॉट आउट, 79-34 गेंदों में नॉट आउट, 9-6 गेंदों में 81-33 गेंदों में नॉट आउट। तो लास्ट के 4 में से 3 मैचेस में ये नॉट आउट ही गए थे। 4 मैचेस में 224 रन बनाए थे, 3 हाफ सेंचुरी 4 ही मैचेस में। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के प्लेयर्स हैं, बट इंटरनेशनली नहीं खेले हैं। अब इस लेवल पे क्या करते हैं ये देखना रहेगा, बट खिलाड़ी जहाँ तक है ECL 2020 में इन्होंने खेले थे, वहाँ पे इन्होंने अच्छे किए थे। रिसेंट फॉर्म 30-26 गेंदों में, 54-24 गेंदों में, 68-40 गेंदों में, इंटरनेशनली भी खेलते हैं। अली मासूद है, ECL 2020 में खेले हैं, ओपनिंग करते हुए नज़र आए थे। इनके तरफ से देखेंगे तो क्लब के लिए सारे प्लेयर्स लगभग 5-6 प्लेयर जो है ना ओपनिंग ही करते हैं, तो ये कहना मुश्किल रहेगा कि कौन से प्लेयर्स ओपन आ सकते हैं। बट एक प्लेयर्स है सफीउर रहमान मलिक, जो कि इनके तरफ से लगभग ओपन करने चाहिए। इनके साथ कौन आएंगे ये कहना मुश्किल है। इसे 2020 में जब अली मसूद खेले थे तो 5 रन 47 रन 47 रन नॉट आउट, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट लिए थे। 4 मैचेस में 105 रन बनाए थे, 35 के एवरेज से 6 ओवर की गेंदबाजी थी, 2 विकेट लिए थे। रिसेंट फॉर्म 81 रन 28 रन 0 विकेट 50 रन 0 विकेट। इंटरनेशनली भी खेलते हैं तो अली मासूद भी बिल्कुल ठीक ठाक प्लेयर्स है। अरसलान गोंडल है, ये भी देखेंगे तो 2020 में ये भी अपने क्लब के लिए ओपनिंग करते थे, 1-24-33+0-1-1 विकेट है। 3 मैचेस में 58 रन थे, 29 के एवरेज से 2 विकेट भी लिए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो 1 रन 1 विकेट 0 रन 2 विकेट है। बिलाल मसूद ECL 2023 में खेले हैं, जहां पे गेंदबाजी करते हुए नज़र नहीं आए हैं, बट ये भी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे खासे गेंदबाजी करते हैं। ECL में गेंदबाजी नहीं किए थे, बट ओवरऑल 19 मैचेस में 272 रन है, 1 हाफ सेंचुरी है, 10 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो 4 रन 1 विकेट 71 रन 27 गेंदों में नॉट आउट, 2 विकेट+0 विकेट। रिफक खान जो कि अभी फिलहाल ये एड नहीं है बट स्क्वाड में शामिल है, अगर एड होते हैं तो आप इनको रिकॉर्ड स्टेट देख सकते हैं। जिसान अली हैं, ECL 2023 में खेले थे, जहाँ पे 4 मैचेस में 71 रन बनाए थे, 3 विकेट थे। इकोनॉमी ख़राब थी, रिसेंट फॉर्म की बात कर ले 0 विकेट 35 रन 39 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। डेविड रॉबसन, ये प्लेयर्स भी अपने टीम के लिए जो है ओपनिंग प्लस वन डाउन कर रहे थे 2020 में। 4 मैचेस में 51 रन है, 13 के एवरेज से 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 70 रन 0 विकेट 71 रन 0 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म तो तगड़ा है, ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए इन लोगों का बैटिंग जो ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से आप इन लोगों को देख सकते हैं। डेविड रॉबसन अगर ओपनिंग नेम मेंशन रहता बिल्कुल ड्राइवर रहेंगे, 1% के आसपास का सिलेक्शन है। रामकृष्णन ECL 2023 में खेले थे, 4 मैचेस में जो है 4 ओवर की गेंदबाजी किए थे, इकोनॉमी खराब रही थी। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, कुछ खास मुझे लगे नहीं। कल्ले वेश्लप्पू हैं, जो कि ECL 2020 में खेले थे, 4 मैचेस में 6 ओवर की गेंदबाजी, 1 मैडन 4 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। इंटरनेशनली भी खेलते हैं तो इन लोगों का उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। मनीष गुप्ता हैं, देखिए ऐसे तो ये क्लब के लिए ओपनिंग प्लस टॉप फोर में बल्लेबाजी करते हैं, क्लब T20 के मैचेस खेले हैं, लास्ट के 4 में से 39-29-25 21 मैचेस में 446 रन है, 2 हाफ सेंचुरी है, 7 विकेट है। बट ये लास्ट के 3 मैचेस में बॉलिंग नहीं किए हैं, बट थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते, 21 में से 6 मैचेस में बॉलिंग किए हैं। रचित पार्किन है, देखिए इनके रोल पे थोड़ा सा डाउट रहेगा, जो ऑफिशियली और जो ड्रीमलैंड पे जो पाया गया है उनमें बहुत अंदर है। ये लेफ्ट हैंडर बता रहे हैं, वो राइट हैंडर बता रहे हैं, एक जगह से चाइना मैन बता रहे हैं, एक जगह पर इनको ऑफ स्पिनर बता रहे हैं। तो ये खेलेंगे तभी पता चलेगा। बाकी क्लब T20 के अंदर एक मैच में जो है वो वन डाउन आए थे, 24 रन बनाए थे, 1 विकेट लिए थे, बाकी मैचेस में 1-1 विकेट लेके गए हैं। ओवरऑल क्लब मैचेस में 51 मैचेस में 325 रन है, 14 के एवरेज से +64 विकेट है। तो एवरेज प्लेयर्स है, ट्राइबल रहेंगे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। साहिल चौहान है, क्लब T20 के अंदर देखेंगे नंबर 3-4 पे बल्लेबाजी कर लेते हैं, 28 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी है 2 सेंचुरी है, बट लास्ट के 3 मैचेस में बल्लेबाजी से तो कुछ खास किए नहीं है और लगभग 17 विकेट भी लिए हैं। शहीद उद्दीन हैं, जो कि इनके भी रोल पे थोड़ा सा डाउट रहेगा, इनको राइट आर्म ऑफ स्पिन कहीं पे बताया जा रहा है, कहीं पे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बताया जा रहा है। 27 मैचेस में 290 रन है, 15 के एवरेज से 44 विकेट है। तो देखिए विकेट इन्होंने अच्छी खासी चटकाई है, तो ध्यान रखिएगा इनका, 44 विकेट कम नहीं होते हैं 27 मैचेस में, इनका ध्यान रखना है। बाकी अब चलते हम अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पर इग्नोर करेंगे।
देखिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली डेमो टीम देखने आ गए हैं तो आप वहाँ पे पीछे जाके देख सकते हैं, सारे प्लेयर के स्टेट्स मैंने बता दिए। यहाँ पे मैंने इमाल जुवाक स्टुअर्ट हुक को ले लिया हूँ, सैफुर रहमान एसईद अहमद को यहाँ पे ले लिया, और सुदेश खान देखिए ओपनिंग आ सकते हैं, खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा के जाहिद दो ओवर की गेंदबाजी देंगे। एस चौहान का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, इन लोगों का ध्यान रखना अरसलान गोंडल, सारे प्लेयर्स देखिए इस लेवल पर जितने प्लेयर्स खेलते हैं ना लगभग अच्छे ही हैं, कुछ एक आधे प्लेयर्स है जो कि उतना कुछ खास नहीं करते, बट एन बलूच, बिलाल मसूद, एस रहमानी, एस चौधरी अच्छे प्लेयर्स है, बिल्कुल ले सकते हैं, अली मसूद, जावी जाहिद, मैं अभी डे रॉफ्सन को लेके जा रहा हूँ, इनके जगह पे आप एस चौधरी कर सकते हैं, ये जो है गेम टाइम डिसीजन रहेगा। बाकी जावी जाहिद को मैं लिया हूँ क्योंकि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी कर लेते हैं। बाकी यहाँ से मैं एस अली को सिर्फ लिया हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो जेड दकवी को ले सकते हैं, बाकी यहाँ पर और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। एस उद्दीन का ध्यान रखिएगा, 27 मैचेस में 44 विकेट है, ध्यान रखना है। बाकी अभी के लिए मेरी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनी है, मेरी कैप्टनसी एस अहमद को गई है, बीसी जो गई है एस रहमानी के साथ गई है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इमाल जुवाक, एशुर रहमान, स्टुअर्ट हुक, अली मुर्शेद, बिलाल मसूद, ये प्लेयर्स हैं जिनको आप सीबीसी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया, अगर कुछ हेल्प हुई है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।